और भाइयों क्या हालचाल, क्या कर रहे हो, बोर हो रहे हो? अब नहीं होगी, चलिए भाइयों सारी फालतू की बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फलाना ढिंका ढुका। सीधी सीधी मुद्दे की बात करते हैं। आज है 15 अक्टूबर, पहला नवरात्र, और मैं आया हूँ माउंट आबू, क्योंकि मैं माउंट आबू से जा रहा हूँ सीधा अंबाजी गुजरात। अच्छा ठीक है, समझ गया। जहाँ से तो मैं लूंगा बाइक, और 30 या 25 किलोमीटर का सफर है, वो करूँगा बाइक से। ठीक है, तो आज का ब्लॉग सिर्फ यही होने वाला है। खबर मिली है कि भैया वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती नहीं है, लेकिन मैं सोचा था निकला ही हूँ तो कुछ शूट कर लेते हैं। बात सही है। तो शूट अपन ये करेंगे आज कि अपन माउंट आबू के फेमस कड़ी भुज्जे वाले हैं नारायण जी, तो पहले तो वहाँ चलेंगे, उनके कड़ी भुज्जे खाएंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे अम्बा जी, और जितना भी शूट होगा उसमें देखते हैं कैसा क्या बनता है, क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सीधा बनाता हूँ और उसके बाद देखा जाता है कि अपलोड करना है कि नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। विक्की बाबू जल्दी आ जाओ, मैं तो नींदों में हूँ यार अभी। हाँ। नहीं नहीं जगह पे क्या ढंग से नींद आ रही है। अभी निकल रहे हैं हम लोग नारायण जी के, वो आ रहा है विक्की गाड़ी लेके, और फिर निकलेंगे फटाफट खाएंगे पीएंगे मस्त। कहाँ जाने हैं? नारायण जी कड़ी भुज्जे वाले, ये बता रहा ना फेमस है यहाँ। चलो भैया बैठो। A few moments later. तो भैया गुलाब जामुन खाने जा रहे हैं अब, नाश्ता तो हो गया है, मस्त तेरे कड़ी भुज्जे। अरे बता रहा है कोई फेमस कौन से गुलाब जामुन वाले? सुभाष जी। तो अभी वहाँ चलते हैं। तो ये है सुभाष जी, आबू रोड के फेमस गुलाब जामुन वाले। नाश्ता पानी तो हो चुका है, अब सीधा निकलेंगे अम्बाजी। हमें काम है अब सीधा नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी, तो बने रहे जुड़े रहे। नहीं अब विक्की तो जा रहा है अपना चार्जर लेने, वो होटल में भूल गया, और हम लोग निकल रहे हैं अब तक पैदल पैदल मार्केट घूम। पैदल घूमने का मार्केट घूमने का मजा अलग है। अनु किधर, तुझे ही पता है भाई। अच्छा नए नए शहर की नए नए गलियां घूमने में मजा अलग ही आता है यार, है ना? सब कुछ नया, कुछ अपने मन की करो, फुल अपने मन की करो, कोई जानने वाला नहीं। क्या कह रहा हमारे माउंट आबू में सुंदर सुंदर कन्याएं नहीं है। हाँ अब खूबसूरती की तारीफ नहीं करे तो क्या करे, तो तोहीन है ना। सुंदर सुंदर कन्या नहीं है, हम कौन से सुंदर अमरूद इधर। अंबाजी पालन पालनपुर और अंकल की सोने चांदी की दुकान है, कह रहे अंदर आओ। क्या बोलते हैं, कह रहे जब बेइज्जती। Ah
आवर लेटर। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाजी टेंपल और अपना सामान वामान जमा कराना पड़ेगा और वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ये अभी मुझे पता चला है। तो मैं तो करवाता हूँ मेरा सामान वगैरह जमा और जितना आगे तक शूट कर सकेंगे वहाँ तक का शूट करेंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और एक वो तो हो गया हमारे साथ, हमारा बन गया 500 रुपये का चालान, वो इसकी वजह से बना है क्योंकि इसको कहा था मैंने हेलमेट लगा लिया, हेलमेट लगाया ही नहीं चालान मिल गया। तो फिलहाल अभी तो मैं ले रहा हूँ प्रसाद, प्रसाद लेते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के दर्शन के। तो फाइनली अभी ले लिया है प्रसाद और आज यहाँ पर जिनेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले वो आने वाले हैं, तो उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा इसलिए कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन उनसे हम लोग मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं, हमें और भी आगे जाना है और इसकी आ जाए फिर मैं निकलूँ, इसी का इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? शाम अच्छा यही है क्या? अरे यही है, इसी गुंबद पे सोना चढ़ा हुआ है ना। चलो भाई दर्शन माता के दर्शन पहुँच गया है फाइनली, जैसे ही पहुँचे थोड़ा later गलत गेट पर आ गए, मेन गेट पे जा रहे हैं हम, पहुंच गए पहले पीछे वाले गेट पर, हमें पता ही नहीं है। लेकिन एक सेकंड, नहीं यहाँ तो बना सकते हैं कह रहा भाई की है ना वीडियो रिकॉर्डिंग बंद है यहाँ पे, अरे बाहर तो सब अलाउड है। मंदिर का पूरा गुंबद सोने का बना हुआ, मतलब सोने की कारीगरी हुई हुई है, बहुत सोना है गोल्ड प्योर 24 कैरेट। असली भीड़ का सामना तो अब है भाई, ये देख रहे हो लाइव, ये है भाई लाइव। तो वहाँ से लगेंगे और ये वहाँ से गेट वहाँ तक, वो गुंबद दिख रहा ना माता का, वहाँ तक जाएगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भीड़ भक्कड़ खाने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर प्रांगण के अंदर, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद नियम को मद्देनजर रखते हुए हमको करना पड़ा अपना फोन स्विच ऑफ, लेकिन नियम तो बनते ही इसलिए भाई तोड़ने के लिए, तो हम कहा रुकने वाले थे। मैंने निकाला फोन और कर लिया कुछ कुछ शूट, अर्थात दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गब्बर के लिए। गब्बर के लिए बता दूं कि गब्बर है माता रानी की अखंड जोत जो कई हजारों सालों से बिना तेल के प्रचलित है। फाइनली गाइस अभी हम लोग अच्छे गब्बर, गब्बर है माता की जोत है अखंड जोत, यहाँ पर पीछे माता की अखंड जोत चलती है, तो अभी अपन वहाँ चलेंगे। तो मैं थक गया हूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, आप बस देखो। बस खत्म होने वाला है थोड़ी सी देर में, अभी चढ़े ही थे और खत्म भी होने वाला है। और फाइनली पहुंच गए। तो गाइस ऊपर पहुंचने पे हमारा फोन करा दिया स्विच ऑफ, जिसके चलते मैं आगे शूट नहीं कर पाया और मुझे करना पड़ा अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त। तो गाइस हर बार की तरह इस बार मेरा फोन करवा दिया था स्विच ऑफ, जिसके चलते मैं आगे कुछ शूट ही नहीं कर पाया और मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि अपना वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग करने का। व्लॉग तो मैं बना लेता हूँ लेकिन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो भूल गया यार। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं स्क्रिप्टिंग करता था तो पता चलता था कि कहीं पे वीडियो अलाउ नहीं है, कहीं पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसके चलते मैंने स्क्रिप्टिंग करना भी बंद किया। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना,
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और ये जरूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो वो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना, क्योंकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको भी मनोरंजन चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।